यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाने से पहले कंपनी पेंटिंग क्या है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, जिसको हम पटना कलम के नाम से भी जानते हैं, 19th century में फ्लरिश हुई थी। और बेसिकली ये एक हाइब्रिड स्टाइल है। हाइब्रिड स्टाइल ऑफ किसका? हाइब्रिड स्टाइल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट एंड देन यूरोपियन अकेडमिक आर्ट स्टाइल, राइट। इसको हम एंग्लो इंडियन स्टाइल भी बोलते हैं, यानी कि आधा इंडियन और आधा यूरोपियन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शैली का विकास भारतीय मिनिएचर स्टाइल व यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ, और इसकी शुरुआत कब देखी जाती है? 19th century में हम इसकी शुरुआत देखते हैं। अब इस स्टाइल को समझने के लिए आप थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हम 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पीछे पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मुगल आर्ट है, मुगल आर्ट है या फिर मुगल आर्ट स्कूल जो है, उसका डिक्लाइन होता है। और फिर कैसे अराउंड 18 सेंचुरी में जितने भी आपके पहाड़ी मिनिएचर स्कूल है, इनका फ्लरिशमेंट होता है। ये जितने भी आर्टिस्ट मुगल कोर्ट में काम कर रहे थे, वो सारे अब काम की तलाश में पहाड़ों की तरफ चल जाते हैं, जैसे जम्मू, जसरोटा, कांगड़ा, बहुत सारे हैं एटसेट्रा। तो वहां पर ये चले जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। अब क्या होता है कि अब सून आफ्टर दैट ये सारे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का राज हो जाता है। ये ब्रिटिश ईस्ट कंपनी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा कूटनीति रचते हैं, और जितने भी ये पहाड़ी आर्ट सेंटर्स हैं यहाँ पर भी जो है इनके राजा महाराजा हैं, ये भी अपनी सत्ता खोने लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये अब ये जितने भी आर्ट सेंटर हैं पहाड़ी के, ये भी सारे लगभग डिमोलिश होना शुरू कर देते हैं। अभी आर्टिस्ट जो है फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो अब ये काम की तलाश में क्या करते हैं, फिर अब ये इधर उधर जाने लगते हैं जहाँ भी इनको काम मिल जाए। जैसे कि अब ये आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं दिल्ली आ जाएंगे, उसके बाद फिर लखनऊ आ जाएंगे, छोटे छोटे जितने भी शहर हैं वहाँ पर, ये कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, ये सारे वहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाके इन आर्टिस्ट के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो अब गवर्नमेंट, ये जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये काम कर रहे थे, तो अब ये लोग इनको संरक्षण देते हैं, यानी कि अपने अंडर इनको काम कराने के लिए बोलते हैं कि आप आइए हमारे लिए काम कीजिए। अब जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अब ये एकेडमिक रियलिज्म में विश्वास करते हैं, फिजिकल रियलिटी पे जो है विश्वास करते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप हमारे लिए ऐसा काम कीजिए, यानी कि रियलिस्टिक जो है मैनर का काम कीजिए। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है, वो आर्टिस्ट जिन्होंने जो है हमेशा से मिनिएचर में काम करना शुरू कर दिया, अब जितने भी इनके जो एलिमेंट्स हैं यूरोपियन आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं, इनके काम में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल रियलिटी आपको देखने को मिलती है, पर्सपेक्टिव आ जाता है, वॉल्यूम आ जाती है काम में, शेडिंग आ जाती है। तो दीस वर दी एलिमेंट्स जो अब यहाँ पर काम के अंदर ऐड हो गए हैं। तो इसीलिए हम जो है इसको कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था, तो इसलिए हम इसको कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की करूँ, तो ठीक है, आर्टिस्ट आ गए हैं, संरक्षण मिल गया है, काम होना शुरू हो गया है, और अब यहाँ पर आपको वाटर कलर ऑन पेपर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने भी आर्टिस्ट हैं गुआश में काम कर रहे हैं, टेम्परा में, ओपेक में, इन सब मीडियम्स में काम कर रहे हैं, पर अब ये डायरेक्ट जो है वाटर कलर ऑन पेपर इनका काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। वॉट्समैन पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेपर भी था उस टाइम, इंग्लैंड में बनता था, वो यहाँ पे जो है लाया जाता था, और यहाँ पे फिर आर्टिस्ट जो है काम करते थे। अब ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये हमारा जो लैंडस्केप है, जो हमारी इंडियन आर्ट है, कल्चर है, लोगों का तरह तरह का पहनावा है, बोली है, भाषा है, खाना है ना, फोक डांस है, अलग अलग सेरेमनीज हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, कितनी सारी वेराइटीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि अरे वाह यार, मतलब इनका तो बिल्कुल, मतलब कि रहना खाना कितना अलग है, मतलब कितने रिच इन कलर्स हैं ये लोग, सब 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 एकदम अलग है। आप उनके कॉस्ट्यूम से पहचान सकते हो कि वो काम क्या करते हैं, राइट। उसके अलावा इनको डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए भी आर्टिस्ट चाहिए थे, कि क्योंकि अब जहाँ पर आप अपना जो है अपनी सत्ता जमाने जा रहे हो, आपको वहाँ की लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, लोग कैसे हैं, लोगों की अब किसी को नीचे करने के लिए ना, किसी के ऊपर पावर जमाने के लिए उसकी जड़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें यही कर रहे थे।
यहाँ पर जो है सर्वे भी कर रहे थे कि आसपास कौन सी वनस्पतियां हैं, इन सब चीजों का भी मतलब जो है ये रिकॉर्ड रख रहे थे, हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे थे। तो उन्होंने एल्बम क्रिएट किया और उस दौरान बहुत सारे वर्कशॉप भी आसपास खुलने लग गए थे और बहुत सारे आर्टिस्ट कंपनी स्कूल के अंडर आकर काम करने लग गए थे। तो अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जैसे मैंने भी बताया कि हमारे इंडियन लाइफस्टाइल को लेकर ये लोग काम कर रहे थे, फेस्टिवल्स को डिपिक्ट कर रहे थे, हमारे जितने भी सेरेमनीज होती हैं उनको बना रहे थे, फ्लोरा फौना को बना रहे थे, हमारे लैंडस्केप को बना रहे थे। और ये जो आर्टिस्ट थे सबसे ज़्यादा सेवक राम, ये कई बार पूछा जाता है, नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो है सेवक राम जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सेवक राम बहुत ज़्यादा वेल नोन आर्टिस्ट है जो कंपनी स्कूल के अंडर काम किया करता था, और ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रूरल सीन्स हैं, उसको बनाने के लिए ये एकदम एक्सपर्ट था। इसने बहुत ही एक्सटेंसिवली कंपनी स्कूल के साथ काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपका हुलास लाल आता है जो कि 1785 से 1870 के बीच आपको देखने को मिलता है। इसका काम उसके बाद फकीर चंद है, राम जय रामदास है, शिवलाल है, और उसके अलावा आपको ईश्वरी प्रसाद लास्ट एक्सपोनेंट मिलेगा जो कि 1950 के टाइम पर जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो है ये आर्ट स्टाइल डिक्लाइन होने लगता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे जाके बहुत सारे आर्ट मूवमेंट होते हैं, बंगाल स्कूल आता है और बहुत सारे नेशनलिज्म हर जगह फैलता है, और फिर इसका डिक्लाइन होना, इसकी डिमांड होना बहुत ही जो है कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा।